कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने विधानसभा में हिंदी सम्मेलन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने 3 दिन के हिंदी सम्मेलन पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने ये भी कहा कि इस सम्मेलन को बीजेपी ने लूट सके तो लूट की तर्ज पर आयोजित किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी सरकार में आयोजित हुए हिंदी सम्मेलन में हुए खर्च को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि 3 दिन के सम्मेलन में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इससे जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर दिया गया। पंडाल में ही 9 करोड़ खर्च कर दिए गए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि जिन्होंने 15 साल युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, वे आज उनके लिए नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है। चौधरी ने कहा कि जिन पेपर कटिंग को विपक्ष ने लहराए, वे बीजेपी शासनकाल के समय के थे। बीजेपी सदन को गुमराह कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली सरकार के द्वारा एक नई योजना चालू करी गई थी, जिसका नाम था लूट सको तो लूट योजना। उस लूट योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। उसका एक नमूना मेरा जो सवाल मैंने पूछा था कि 3 दिन का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उसमें कितना रुपया खर्च हुआ, तो उसमें जब पाया कि लगभग 10 करोड़ 71 लाख रुपए 3 दिन के सम्मेलन में खर्च होता है, और उसमें माध्यम के नाम से जो एक सबसे बड़ा लूट करी जाती है, वो लूट करी जाती है कि 9 करोड़ रुपए का तो सिर्फ पंडाल और स्टेज लगता है, 10 करोड़ रुपए 11 करोड़ के सम्मेलन में 9 करोड़ का 3 दिन का पंडाल लगाया। जिस प्रदेश के अंदर गरीब की पेंशन के 1 रुपए देने के लिए पैसे नहीं थे, जिस प्रदेश के अंदर किसानों को फसलों के दाम देने के पैसे नहीं थे, जिस प्रदेश के अंदर आम जनता के जो रोजमर्रा के काम है उसके पैसे देने के पैसे नहीं थे, पर एक लूट सको तो लूट योजना जो चालू करी थी, जिसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसा सम्मेलन करा गया जिसके अंदर एक सम्मेलन हिंदी के सम्मेलन के लिए 10 करोड़ रुपए, इस हिंदी भाषी प्रदेश में सब गौरव करते हैं हिंदी के ऊपर, पर उसके नाम से लूट को जो करा था उसके खिलाफ मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें मुझे जवाब मिला है कि 11 करोड़ रुपए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके ऊपर जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा। हिंदी सम्मेलन में हुए खर्च को लेकर एक बार फिर ये मुद्दा कांग्रेस ने गरमा दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सदन को गुमराह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, भोपाल।